हाले पंजाब सरकार वालों जिहड़ियां पंचायतां भंग कीतियां गईयां सी उन्हां दा रफड़ खत्म हाले नहीं होया कि हुण सरकार नूं इक होर चुनौती मिल गई है क्योंकि पंजाब सरकार वालों पंचायतों के नाल नाल ब्लाक समिति अते जिला परिषद भी भंग कर दित्तियां गईयां सी। उस तों बाद सरकार नूं जू टर्न लैणा पिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिर सरकार की हुई नमोशी के चलदियां दो जिहड़े रूरल डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट के वड्डे अफसर ने एक डायरैक्टर गुरप्रीत सिंह खहरा अते विभाग के प्रमुख सकत्तर डीके तिवाड़ी नूं मुअत्तल कर दिता सी। हुण एक होर चुनौती दित्ती गई सरकार नूं, लगता कि सरकार नूं फिर जू टर्न लैणा पएगा। हालांकि 31 तरीक नूं जिहड़ी पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच सुनवाई हुई उदों उस सुनवाई दे विच पंजाब सरकार वल्लों पंजाब दे एडवोकेट जनरल विनोद कई साहब ने अदालत विच पेश कीता सी और सरकार दा स्टैंड स्पष्ट कीता सी कि दो दिनां दे विच विच जिहड़ी नोटिफिकेशन 10 अगस्त नूं जारी कीती उह वापस लै लवांगे। पर हुण जिहड़ा नवां चैलेंज आ क्योंकि पहलां पंचायतां भंग करन नूं लै के पंजाब दे सरपंचां ने पटीशन पाई सी तो हुण पंजाब दे विच जिहड़ा परिषद आ क्योंकि उह वी सरकार ने जिला परिषद जिहड़ियां चोण हैगियां ने भंग कर दित्तियां सी जिस करके सरकार नूं हुण फिर एक चुनौती मिली आ। एक हाई कोर्ट दे विच पटीशन पाई गई आ जिहदे च जिहड़ी जिन्हां वल्लों पटीशन पाई गई आ उह श्री मुक्तसर साहब जिला परिषद दे चेयरमैन आ नरेंद्र सिंह कौणी, उन्होंने हाई कोर्ट में जिहड़ी पटीशन पाई है सरकार नूं चुनौती दित्ती आ उहदे च कहा गया कि जिला परिषद का जिहड़ा कार्यकाल आ उह अगले साल मतलब 2024 अक्तूबर च खत्म होना पर सरकार 11 महीने पहला ही इस साल 25 नवंबर नूं चोणां करवाउण जा रही है जो सरासर गलत आ। इस तरह जिला परिषद का भी 5 साल का कार्यकाल पूरा होना चाहिए पर सरकार पूरा होने तो पहला ही 11 महीने चोण करवा रही है। इस करके उन्होंने अपनी पटीशन दे विच कहा कि सरकार जिहड़ियां जिवें पंचायतां भंग कीतियां ते बहाल कर दित्तियां ने उस तरह जिला परिषद भी जिहड़ियां भंग कीतियां उन्हें बहाल किया जाए। इस मसले दे विच जिहड़े वकील ने पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे जिहड़े केस की पैरवाई कर रहे ने जिन्हां वल्लों पटीशन दाखिल की गई है नरेंद्र सिंह जिहड़े जिला मुक्तसर दे जिला परिषद दे चेयरमैन ने उन्हां दे बिहाफ ते असी एडवोकेट निखिल कई हुणां दे नाल गलबात की आ उन्हां पूरा केस समझाया और पल के इस केस की सुनवाई आ। पंजाब सरकार वालों जिहड़ा कीतियां गईयां भंग जिला परिषद ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੀ ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਚ? ਸਰ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਸੀ 3 ਤੋਂ ਥੀ ਜੋ ਬੰਕ ਕਰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੋ ਆਏਗੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੇ ਟਰਮ ਨਾ ਸਭ ਕੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਜੇ ਨਵੰਬਰ ਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੈਲੰਜ ਕੀਏਗੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੋ ਇਹ ਸਿਰ ਮੁਕਸਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਸੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਨਵੰਬਰ 24 ਮੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 24 ਮੇ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਪਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਲ ਲੱਗਣਾ ਅਜ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾ ਜੀ ਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਹੇਰਿੰਗ ਲੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਹੇਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੇਰਿੰਗ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 25 ਕੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 23 ਮੈਂ 24 ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ 23 ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਗੈਰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਹ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
उस तो बाद पंजाब दी पंचायत यूनियन सरपंच यूनियन इकट्ठी हुई, उन्होंने मते पास किए, फिर हाई कोर्ट दे विच गए, तो फिर 31 अगस्त नूं सर जिहड़ा हाई कोर्ट दे विच जदों सरकार नूं कोई जवाब ना सुझिया तो फिर सरकार ने जिहड़ा जिहड़ा चोणां भंग पंचायतां कीतियां सी पंचायतां नूं भंग करन दा जिहड़ा फैसला वापस लैण दा हाई कोर्ट दे विच लिखती तौर पर सूचित कर दिता गया, सरकार दा स्टैंड लिखती तौर पर स्पष्ट कर दिता गया। लेकिन ब्लाक समिति ते जिला परिषद ये हले स्टैंड उस तरह ही है, हले सरकार ने जिहड़ी नोटिफिकेशन कहा से कि अं दो दिन दे विच वापस लै लांगे, सरकार ने नहीं ली। हुण विभाग का क्योंकि जिहड़ी नोटिफिकेशन है विभाग का सैकटरी कर सकदा, तो इस टाइम ना विभाग का कोई डायरैक्टर है तो ना कोई सैकटरी है, पर इस दौरान हुण जिला परिषद भी भंग कर दित्तियां ने, उन्हों लैके भी चुनौती सरकार नूं दित्ती गई है क्योंकि जिहड़ियां जिला परिषद आ उह जाके नवंबर 2024 दे विच 5 साल का कार्यकाल पूरा हुंदा है। लेकिन फिलहाल सरकार ने जिहड़ा 25 नवंबर तक चोणां करवाउण दा फैसला किया 25 नवंबर 2023 नूं। हुण जिहड़ी पटीशन पाई है जिहड़े पटीशनर ने नरेंद्र सिंह जिहड़े मुक्तसर साहिब दे जिला परिषद दे चेयरमैन, उह कहिंदे कि हले 11 महीने बाकी ने। और सब तो वड्डी गल है कि जिहड़े सरकार को भी अधिकार ने पंजाब राज पंचायती एक्ट 1994 तहत तुसी 6 महीने जे समा है तो तुसी इलैक्शन नवीं करवा सकते हो, भंग कर सकते हो, लेकिन भंग करदे नाल विद इन टाइम वो चोणां करवाउणियां हुंदियां। लेकिन हुण तो 11 महीने बाकी पए ने, तो इस करके हुण जिला परिषद वालों भी ये जिहड़ी पटीशन पाई गई है, देखते हैं कि भलके कोर्ट की कार्रवाई दौरान पंजाब सरकार नूं की नोटिस मिलता जां फिर सरकार की जवाब दिंदी है। इस जानकारी दे नाल ही सानू दिओ आ गया, पर इस तरह देखते रहो ABC पंजाब। धन्यवाद।